नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम जिंदगी में इतने सारे कई बार कष्ट पाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये दिक्कत कहाँ हो रही है। अगर हमें ये समझ जाए कि परेशानी कहाँ है, तो हल निकालना कितना आसान होता है। अब शुरू से हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे कि कभी भी घर के अंदर जब हम अन्न बनाते हैं, तो पहला निवाला भगवान के लिए निकालना चाहिए। पहला निवाला जो होता है हमारे पितरों के नाम से निकालना चाहिए। पहला निवाला जो होता है हमें डॉग्स और उनके लिए निकालना चाहिए, बेजुबान पक्षियों के लिए निकालना चाहिए। कुछ चीजें हमें पहली रोटी कह सकते हैं, पहला निवाला कह सकते हैं आप, लेकिन हम धीरे धीरे भूल चुके हैं। सबसे पहले आते ही सामान मुंह में डालते हैं हम लोग, कभी भी भूल जाते हैं कि हमें ये रिचुअल्स भी हमारे दादा परदादा नाना नानी ने सिखाए थे। हमें यह भी सिखाया था कि घर को अंधेरा नहीं रखना चाहिए, रोशन करना चाहिए किसी खास समय पर। हमें बहुत अच्छे कर्म भी करना सिखाए थे। हमें यह भी सिखाया था कि प्लेट के अंदर झूठी रोटी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन हमने कितना अमल किया इसके ऊपर? क्या आपको मालूम है कि अभी आपने सोचा भी है कभी कि कहां हम चूक कर रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, जिसका हर्जाना शायद हम बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं? स्ट्रेस, परेशानियां, बीमारियां, लॉसेस, मनी का लॉस, पेरेंट्स अलग, बच्चे अलग, यानी दो परिवार के सदस्य दोनों अलग अलग रह रहे हैं एक ही घर के अंदर, एक ही छत के अंदर, कितना सारा तनाव है। ऐसी ही कुछ बातें हम बताने वाले हैं कि लगभग सिर्फ कुछ ही चीजें अगर आप रूटीन में कर ले तो कष्ट आए ही क्यों। और दूसरी बात आती है कि जब भी कभी हमें कोई परेशानी होती है, तो हम बड़ा भगवान का नाम लेने लगते हैं। दुख में सिमरन हर करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। यानी बहुत बड़े ये एक मैसेज संकेत आए हैं हमारे लिए कि हम दुख में भागते हैं इधर उधर, लेकिन जब हम लेविश जिंदगी जी रहे होते हैं, जब हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, हर चीज है, सुख सुविधाएं, पैसा आ रहा है, आते जा रहा है, तो तब हम भगवान को ही भूल जाते हैं। लेकिन जहां कहीं छोटी सी रुकावट आती है तो भागने लगते हैं हम लोग। क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी जिंदगी को एक रूटीन बना ले थोड़ा सा। लाइफ डिजाइनर मैं हमेशा अपने नाम के आगे लिखती हूं। लाइफ डिजाइनर का मतलब हम अपनी जिंदगी को अगर बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन करें तो हमारी जिंदगी में कष्ट ज्यादा नहीं होते। देखिए, सीमा किसी चीज की नहीं है। अगर हमें 10 लाख मिलेंगे तो हम कहते हैं 50 लाख मिल जाए। अगर हमें छोटी गाड़ी मिलेगी तो हम सोचते हैं बड़ी गाड़ी मिल जाए, फिर उससे भी बड़ी मिल जाए। तो सपने तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी है, लेकिन सुख जहां पे हो वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। चलिए, कुछ चीजें नियम अनुसार अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कष्ट नहीं होंगे। अब सबसे पहले आते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना हम लोग जूठा छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग देखें आप कि जब हम अन्न खाते हैं, घर का अन्न हो चाहे बाहर हो, लेकिन जाते हैं उसमें से कुछ बच जाता है, तो हम लोग जो कोई मांगने वाला कोई भिखारी बच्चा या कुछ ऐसे बच्चे जो नीडी बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको जरूरत होती है अन्न की, हम उन्हें अपना जूठा खाना ही दे देते हैं। आपको मालूम है कितना बड़ा पाप करते हैं आप, कितनी गलती कर रहे हैं आप। झूठा अन्न क्यों? अगर आपने देना ही है तो स्वच्छ अन्न दीजिए, उसे भी थोड़ा सा खाने में सहयोग कर दीजिए, या फिर आप छोड़ दीजिए। झूठन क्यों खिला रहे हैं आप दूसरों को? क्या आप किसी की झूठन खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना, तो फिर हम दूसरों को क्यों खिलाएं? तो कभी भी बचा हुआ, वैसे तो अन्न उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सके, उसमें से झूठा छोड़ना ही नहीं चाहिए। और फिर आती है बात कि झूठा छोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो उतना ही कम लीजिए अन्न, ताकि उसके अलावा आप थोड़ा सा अन्न खरीद करके आप उन बच्चों को, ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को सहयोग कर सके अन्न का, जिन्हें वाकई ही अन्न की जरूरत होती है। फिर आती है कि बात कि हम अन्न तो झूठा दे देते हैं, आप एक और पहलू भी होता है, जब हम खाना अपने घरों के अंदर बनाते हैं तो हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया था कि पहली रोटी हमेशा अच्छे कर्मों के लिए निकालनी चाहिए।
जब भी आपके घर में ये नियम बनाइएगा, आप अपने घर में घर की महिलाओं को जरूर बोलिए, पुरुष हैं अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो घर की महिलाओं को ये चीज जरूर बताइए कि जब भी घर में अन्न पके तो उसकी एक रोटी आपने सबसे पहले निकालनी है और वो रोटी आपने डॉग को, पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को खिलानी है। अब देखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यार, कहते हैं ना हम लोग, तो खुदा सीधा ऊपर से थोड़ी आएगा कि हम लोग आप लोग ही तो माध्यम है कि बेजुबानों के माध्यम तो हम लोग ही हैं, उनके लिए भी कोई रोटी का प्रबंध तो भगवान ही कर रहा है, तो क्यों ना ये क्रेडिट, ये श्रेय आप ले ले। उनके लिए आपने जरूर पहली रोटी निकालनी है और वही रोटी आपने उन्हें जाकर के खिलानी भी है। गाय के लिए रोटी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है एक निकालनी है, चार रोटी भी निकाल सकते हैं, जो पहली पहली रोटियां होती है चार रोटी भी निकाल सकते हैं, डॉग्स के लिए निकाल सकते हैं, गाय के लिए निकाल सकते हैं, पक्षियों के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अन्न डाला जा सकता है, कुछ दाने डाले जा सकते हैं। इससे भी एक तो आपके कर्म स्ट्रांग होते हैं, दूसरा आपके खुद के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि आज हमने जिंदगी का कुछ अच्छा काम किया, और तीसरा स्ट्रेस आपका दूर होता है, और चौथा आपकी जिंदगी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। चलिए, अगर इसे सहयोग ना समझ करके करना है तो अपने फायदे के हित में ही कर लीजिए, काम तो अच्छा ही करेंगे आप। ये सारी चीजें करने से ना आपको महायज्ञ का फल मिलता है। कई बार हमें यज्ञ में आहुतियां देने की जरूरत नहीं होती, दिखावे के लिए बैठ जाते हैं, ओम नमः स्वाहा स्वाहा ऐसे बड़े बड़े आहुतियां भी दे देंगे, वो ठीक है दीजिए, वो भी अपने जगह एक अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट की जाती हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म है पहले उनकी तरफ ध्यान दीजिए कि ये चीजें हम क्यों नहीं करते हैं, ये चीजें हमें करनी चाहिए। मछलियों के लिए छोटे छोटे अन्न के आटे की बनी हुई गोलियां डालना, भाई उनका जरिया भी तो हम ही बनेंगे ना। और आपको मालूम है जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, कभी भी उन्हें चैन नहीं आता, ना सोते ना जागते, पैसा नहीं है तो बेचैन है, पैसा आ जाता है तो बेचैन है, यानी किसी भी तरीके से उन्हें सुकून ही नहीं है, मन उनका परेशान ही रहता है, ऐसे लोगों को मछलियों को गोलियां जरूर डालनी चाहिए आटे की बनी हुई, और स्वयं बनाइए, खुद छोटी छोटी गोलियां बना करके आप उन्हें डालिए। यकीन मानिए, एक तो हमारे खुद के नर्व्स सिस्टम होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, हमारी फिंगर्स को भी बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी हमारी नर्व्स बॉडी के साथ कनेक्टेड है वो सारी की सारी हील होती हैं। प्लस दूसरा, आपने एक अच्छा कर्म किया जो कि आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा है, आपकी एनर्जीज के लिए भी बहुत अच्छा है। पक्षियों को दाना डालना ये एक नियम बना लीजिए, चींटियों को आटा डालना, लेकिन ये आटा कच्चा आटा नहीं, थोड़ा सा रोस्ट करके भुना हुआ आटा डालना चाहिए, क्योंकि कच्चे आटे से चींटियां मरती हैं। तो हमें अच्छा कर्म करने जाना है, ना कि अपने लिए एक गड्ढा और खोद के आना है। तो चींटियों को जब आप आटा डालते हैं उसमें थोड़ा सा बूरा मिला लीजिए, यानी मिठास मिला लीजिए, और खास करके भुना हुआ रोस्ट आटा डालिएगा। ऐसे ही नहीं डालना है कि आपने बस फटोफट अपना एक काम किया कि मैंने ये काम करना था करके आगे बस हो गया जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरी जिम्मेदारी खत्म, मेरा अच्छा कर्म हो गया आज। आपको मालूम है इससे हो सकता है आपका नुकसान भी तो हो रहा है, ये जल्दबाजी कई बार ना हमें नुकसान की तरफ ही लेती है, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से आपने ये कार्य करना है। अन्न जरूर निकालना है, जल की सहायता आपने जरूर दूसरों को करनी है, जैसे कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं आपको लगता है कि आसपास दूर दूर तक कोई जल के प्रबंध नहीं है, वहां के लिए कुछ जल का प्रबंध कर दीजिए कि आते जाते कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, कुछ लोग मिल करके, ऐसे भी तो आप बहुत सारी चीजों का सहयोग करते हैं,
कुछ लोग मिल करके किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जल का संसाधन कर दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, ऐसे लोग, जरूरी नहीं कि हर कोई बॉटल खरीद करके ही पानी पी सकता है, लेकिन एक साफ सुथरा जल का प्रबंध अगर ड्यूटी लगा दिए, रूटीन कर लीजिए, तो ये चीज भी अगर आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस खत्म होता है। मात्र कुछ काम किए लेकिन अपनी जिंदगी का रास्ता आपने बहुत आसान कर लिया। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे उपाय महायज्ञ का रूप ले लेते हैं। जब ये सारी चीजें करेंगे तो ये मानिए कि आपको जो फल मिलेगा महायज्ञ का फल मिलेगा, आपकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं होंगे। लेकिन सही तरीका जरूर आपने अपनाना है। तो देखा आपने, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक आपने जरूर पहुंचाना है। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सब पर इस वीडियो का लिंक आपने जरूर शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, अपनी कुंडली चाहते हैं दिखाना, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पेड सर्विस है, यानी अपनी बुकिंग करवा करके ही आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करा सकते हैं। अगर फ्री में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जब भी कभी हम लाइव आते हैं तो उसके माध्यम से आप जुड़ करके अपना फ्री विश्लेषण भी ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।